अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेवन्थ क्लास की मैथ करेंगे। हम इसके पहले कुछ डेफिनेशंस करेंगे और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सिक्स तक की मैथ कंप्लीट कर ली है। हम इसमें पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इसमें लिखी हुई है सेट की डेफिनेशन। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट्स की। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि मुख्तलिफ हों, उसके अंदर ऑब्जेक्ट सेम नहीं हों। अब जैसे कि एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, अब वो वेल डिफाइंड भी हैं उनके नाम, और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके टाइप्स रीड करते हैं। टाइप्स क्या होती है? एक डिस्क्रिप्टिव टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव वो होती है जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई हो इंग्लिश में, उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि टेबुलर। टेबुलर वो होती है जैसे कि यही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम टेबुलर में लिख दें कि फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स हैं और तक हमने जाना है 1, 3, 5 अप टू 7 और इसके हम सब ब्रैकेट लगा दें तो ये टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। जस्ट किसी भी चीज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ये क्या बन जाएगी? टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर ये होता है कि इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के एक छोटी फॉर्म बनाई जाए। जैसे कि इसके अंदर कहता है कि एग्जांपल नंबर 1 में एक्स और एक्स इज़ अ और इंटीजर, ये क्या है? और इंटीजर है लेस देन 20। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि 2 से बड़े सारे इवन नंबर्स, और इसको हम टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे कि एक्स बिलोंग टू एन, एन कोई भी नेचुरल नंबर्स है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्स से ग्रेटर देन 2। एक्स कहाँ से होना चाहिए? एक्स 2 से बड़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम इनके टाइप्स रीड करते हैं। कहते हैं कि यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स। अब हमने यूनियन की डेफिनेशन रीड करी। यूनियन क्या होता है? यूनियन को आप भी लोग ये समझ लें कि 2 सेट गिवन हो ए एंड बी, इन दोनों मेंबर इनके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1, 2, 3 और बी में है 4, 5। अब जस्ट इनकी अरेंजमेंट को आप यूनियन कहते हैं। दोनों मेंबर्स को एक साथ एक सेट में लिख देना, उनको क्या कहेंगे? यूनियन कहते हैं। अब देखते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। क्या इन सब के एलिमेंट को अरेंज करके लिख देना, जैसे कि फर्स्ट ए में गिवन है 1, 2, 3 और बी में है 3, 4, 5। अब इनका यूनियन फाइंड करना है तो जस्ट इनको अरेंजमेंट करके लिख दो। इंटरसेक्शन में होगा कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ले लेने, ए एंड बी के। अब इन दोनों में कॉमन चेक करते हैं कि इधर 4, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 और 4। अब दोनों में क्या आ गया? 3 और 4 कॉमन आ गया, तो ये इसका क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन बन जाएगा। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक सेट में एलिमेंट हो और दूसरे में नहीं हो, वो उसका डिफरेंस बन जाएगा। अब ये कहता है कि ए के एलिमेंट गिवन है 2, 3, 4, 5, 6 एंड बी में 5, 6, 7, 8। अब ए को बी में से माइनस करना है, ए माइनस बी करना है, तो ए के एलिमेंट को बी में से कट करना है। अब चेक करते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो ये आ जाएगा, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो इधर से 3 आ जाएगा। जो ए में हो और बी में नहीं हो वो वाले इसके क्या बन जाएंगे? डिफरेंस बन जाएंगे। ठीक है, और इसका डिफरेंस ये बन गया 3, 2, 3, 4। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन नहीं हो और 5 सेट हो। अब देखें इसके अंदर कोई कॉमन है? कुछ भी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इसका क्या कर देंगे? ये 5 सेट बन जाएगा। डिफरेंस में होता है जो ए में हो और बी में नहीं हो वो लिखना होता है, और डिसजॉइंट सेट में दोनों में कॉमन हो तो लिख देना होता है, अदरवाइज नहीं लिखना होता कुछ भी। इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। अभी कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, पहले डेफिनेशंस कर लेते हैं फिर उनके एमसीक्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, देखते हैं किस चीज़ की लिखी हुई है। इधर डेफिनेशन लिखी हुई है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कि इफ़ 2 सेट ए एंड बी आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट, इफ़ नन ऑफ देम द सबसेट ऑफ अदर देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट। अब इसका मतलब है, ये कहते हैं कि ए सबसेट हो बी का, ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि ए सबसेट नहीं हो बी का, और ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट हो जो बी में हो। जैसे कि ए में क्या गिवन है, इधर देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, और बी में गिवन है 4, 6, 8।
अब ए का एक एलिमेंट है जो बी में गिवन है, बट सारे के सारे एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर प्रेजेंट है तो सबसेट होगा। अब देखें कि सारे एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक लार्ज सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं और वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये देखें इधर से इसके एग्जाम्पल, होल नंबर्स यू, ये यूनियन सेट होता है। कम्प्लीमेंट होता है, कम्प्लीमेंट सेट क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट सेट होता है यूनियन यूनिवर्सल सेट में से जो भी सेट गिवन हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। अब क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है एक हो। अब इसको डोनेट किया जाता है इसके साथ। अब कहते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए की वैल्यू क्या गिवन है, इधर ये देखें, ए की वैल्यू है 1 से 6 तक, और इसमें से नहीं, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, 1 से 6 तक यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए को गिवन है 1, 2, 3। अब हमने इसके अंदर इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। अब हम चेक कर लेते हैं, इधर 1 है, इधर 1 है नहीं लिखना, इधर 2 है, इधर 2 है नहीं लिखना, 4। हम अब फर्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में कहता है कि ए यूनियन बी को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये शो करें। हम ए यूनियन बी, अब देखें जिस जगह पे एंड आता है ये बन जाती है इंटरसेक्शन की वैल्यू, ठीक है, और यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ये वाले तो आएंगे ही नहीं क्योंकि इसमें कैंसिल आउट लगा हुआ है, तो ये तो आएगा ही नहीं यूनियन में। यूनियन की ये है कि इसके अंदर और आता है। नेक्स्ट करते हैं कि ए माइनस बी को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर ए में से माइनस करना है बी को तो ए के एलिमेंट आएंगे और बी के एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इसलिए इधर ये लगा हुआ है कि बी के एक्स नॉट बिलोंग टू बी, बट एक्स ए में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, बी माइनस ए। अब ये देखें इसमें पूछा बी माइनस ए, अब बी के एलिमेंट तो बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, बी में से एक्स बिलोंग करना चाहिए बी में से, बट किस में से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए में से, क्योंकि हम बी माइनस ए कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, ये नेक्स्ट कहते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, और इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। ए यू का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू एक सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट है, यू को यू के साथ ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइन कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में सेम सेम एलिमेंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फाई सेट आ जाएगा। अच्छा, फाई का कम्प्लीमेंट पूछा हुआ, इसके अंदर फाई का कम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई का कम्प्लीमेंट जब हम फाई का कम्प्लीमेंट फाई करेंगे तो यू माइनस फाई लिखते हैं, तो यही यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर, ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल आ जाए तो वो क्या बन गया था, डेफिनेशन थी डिसजॉइंट सेट की। अब इसमें कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, देन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। हमने इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दोनों में चीज़ देख लो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या थी, 3, तो हम इधर क्या रख देंगे, 3। ये एम सी क्यू तक हो गए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं हाउ मैनी मेथड्स आर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द सेट, सेट को जाहिर करने के कितने तरीके थे, 3 थे, एक सेट डिस्क्रिप्टिव सेट, टेबुलर सेट एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये जो ई की तरह का लिखा हुआ होता है मैथ में, इसको कहते हैं कि ये इसका मेंबर है। नेक्स्ट में कहता है कि ए को ए गिवन है 10 तक, ये कौन से नंबर हैं, अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाए तो, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि इसको इंग्लिश में लिखना। अब हम कह सकते हैं कि ई इज़ अ सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 होते हैं, और ये कहाँ तक लिखे हुए हैं, 10 तक लिखे हुए हैं, तो हम इनको ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कहता है कि ए इज इक्वल टू 1 से 20, अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब ये देखें 20 तक लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है ये 20 से लेस देन होगा, और जब इक्वल का निशान लगा देंगे तो इसका इंक्लूड हो जाएगा कि 20 इसके अंदर इंक्लूड है। अब हम स्टेटमेंट रीड करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहता है, 1 से 20 तक पूछा हुआ है, ठीक है, 20 को हमने इंक्लूड करना है तो हम ये नोटेशन लगा देंगे। अब फर्स्ट में लिखा हुआ क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है बट ये 20 तक है, आगे डिफाइन नहीं किया हुआ फर्स्ट में। सेकेंड एम सी क्यूज में कहता है कि फर्स्ट इज़
फर्स्ट 20 नंबर्स, कौन से 20 नंबर्स नहीं लिखा हुआ। अब इसमें देखें, इसी में कहता है कि एक्स ओवर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल देन 20, 20 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर। नेक्स्ट में करता है कि यूनियन फाइंड करें, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5, देन द ए यूनियन बी। ए इसमें सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, अरेंजमेंट करके हम सीधे लिख देंगे, सारे आ जाएंगे यूनियन। नेक्स्ट करते हैं कि इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड बी इज़ अ सेट ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, देन ए इज़ ए यूनियन। अच्छा, इसमें कहते हैं कि ए है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए की वैल्यू है, और बी इसके अंदर क्या है, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, बी की वैल्यू है 2 4 6 8 and 10, ये भी 10 तक बनता है। अब ये देखिए, हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, तो ये ही सेट होगा जो 10 तक हो लिखा हुआ, हमने यही बन जाएगा इसका यूनियन, क्योंकि ये वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे, बी वाले एलिमेंट्स भी, तो यूनियन में सारे इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसका सेट क्या बन जाएगा। इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इसके अंदर जो कॉमन आएगा वो इवन नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में लिखेंगे, तो उसमें से हमने कॉमन सेलेक्ट करना है, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स, इसका क्या बन जाएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, और यूनियन होगा तो सारे के सारे आ जाएंगे, फर्स्ट से लेके 10 तक यूनियन में आ जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 0 to 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 5, सी इज़ इक्वल टू 3 4 5 एंड ए यूनियन बी, यानी ये फाइंड करना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, पहले आप लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लें, और फिर उसके बाद हमने जो आंसर आएगा उसके साथ हमने यूनियन लेना है। इनका डायरेक्ट भी यूनियन लिया जाए तो सबसे बड़ा जो भी एलिमेंट होता है वो उसका यूनियन बन जाता है। ये एक शॉर्ट वे है यूनियन फाइंड करने के लिए, यूनियन के लिए ये है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट गिवन होगा, सेट गिवन होगा, वो उसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ये देखें, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 तक गिवन है, बी इज़ इक्वल टू 2 4 5 6 8 10, और सब्ट्रैक्ट करके लिखना। ये देखें, जो ए में थे वो कट आउट किए हुए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है 1 3 5 7 8, तो जो ए में बच जाते हैं वो उसका क्या बन जाता है, माइनस करके लिखे लिखना होता है। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, बी इज़ इक्वल टू, ये और इनमें भी आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके लिखना। अच्छा, अब हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें पहले, और फिर बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या ये पॉसिबल होगा, दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इज़ अप टू 20 एंड फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है, यूनियन की वैल्यू गिवन है 20 तक, और उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यूनियन में भी यही आ जाता है कि सेपरेट करके लिखना होता है, इवन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा, और वाले बच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ यू इज़ इक्वल टू 2 4 8 12 16 20, देन यू का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू का कम्प्लीमेंट यू के साथ फाइंड करते हैं तो खाली ब्रैकेट ही आती है। नेक्स्ट करते हैं कि इफ़ यू इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड ए बी सी, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम ऐसे ही करते हैं, तो इसमें से जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच के आ जाएगा दोबारा ए, ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, ये द गिवन वेन डायग्राम शो डैट, ये इसकी क्या, यूनियन की वेन डायग्राम शो की हुई है, ये 7th के लास्ट के फर्स्ट चैप्टर इधर तक ही था सेट वाला। इंशाल्लाह ताला कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 हो या 3 हो जितने भी हो जाएंगे कवर, हम वो कवर कर लेंगे, फिर कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये साथ साथ करते रहो, अच्छा होगा, एक साथ जब आप लोगों की एजुकेटर की जॉब आएगी और एक साथ आप लोग काम करोगे, फिर ज़्यादा याद नहीं होता। ये देखें कि एजुकेटर्स की जॉब में क्या क्या करना होता है, 4 से लेके 8 तक की तो ऑल बुक्स रीड करनी, उसमें मैथ भी इंक्लूड है, साइंस, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें, बट हिस्ट्री पढ़ाते नहीं हैं स्कूलों में, आप लोगों ने तो रीड करनी होती है एमसीक्यूज़, उसके आएंगे कंप्यूटर भी, कंप्यूटर भी जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उनमें नहीं रीड करवाते आप लोग, बट फिर भी करें।